हॉस्पिटल में हम उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास RT-PCR की सुविधा हर एक जगह मौजूद है। 15,000 टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में हम लोग करने की स्थिति में पहुँच चुके हैं और इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। लगभग प्रदेश के अंदर 4,00,000 टेस्ट उपलब्ध कर चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य भी संपन्न हो चुका है। कोरोना उपचार से जुड़ी हुई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 1,00,000 से अधिक बेड उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हमारे पास मौजूद है और हर जनपद में वेंटिलेटर की सुविधा भी हम लोगों ने आज के दिन पर उपलब्ध करवाई है। लेकिन इस सबके बावजूद जो गंभीर रोगों से पहले से पीड़ित हैं उनको तत्काल इमरजेंसी में उपचार की सुविधा चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी नॉन कोविड हॉस्पिटल कार्य कर सकें और बिना किसी भय के कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर हम लोगों ने ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करवा दी। ये ट्रूनेट मशीन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर इस बात के लिए किसी भी पेशेंट का जिसको तत्काल ऑपरेशन करना हो या कोई मेडिकल प्रोसीजर उसका करना हो, इस बात का परिणाम दे सकता है कि इसे कोरोना नेगेटिव है या व्यक्ति इस बात को प्रमाण व मशीन उसका रिजल्ट दे सकती है। यहाँ पे आसमगढ़ के मंदली हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दी और मुझे प्रसन्नता है कि इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सभी 75 जनपदों में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, सभी मेडिकल कॉलेजेस में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, यानी अब इमरजेंसी की सेवाएं, सेमी इमरजेंसी की सेवाओं को भी हम लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ कर पाएंगे और बड़ी मात्रा में लोगों को इससे राहत मिलेगी। यह कार्य आज यहाँ पर मैं इसी का निरीक्षण करने के लिए आया था, मैंने अभी समीक्षा की है। आजमगढ़ में 1,57,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है, जिसमें से 85,900 से अधिक केवल 1 मई से यहाँ पर आया है। अब तक 54,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक है और अन्य निर्माण श्रमिक है, उसे भरण पोषण भत्ता भी दिया जा चुका है। यानी 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता हम लोगों ने आजमगढ़ जिले में ही उपलब्ध करा दिया है। अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो इस ऐसे 34,00,000 से अधिक लोगों को ये सुविधा हम उपलब्ध करा चुके हैं। निर्माण श्रमिकों को दूसरी बार भी हम दे चुके हैं, उनमें 19,00,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी बार ये भरण पोषण भत्ता मिल चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 86,71,000 वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पुष्टावस्था पेंशन धारकों को भी पेंशन की राशि समय से देने के साथ साथ 1,000 रुपये इस कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त उपलब्ध कराया है। पीएम पैकेज में पैसा उन्हें उपलब्ध हुआ है। प्रदेश के अंदर 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारी ऐसे हैं जिन्हें 500 रुपये प्रति माह इस अप्रैल, मई और जून का उनके अकाउंट में जा चुका है। 2,04,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये हर महीने अप्रैल, मई में प्राप्त कर चुके हैं। जून में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राशन 18 करोड़ लोगों को छठी बार राशन की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर वर्तमान में वितरित हो रही है। यानी ये सारे कार्य गरीबों के भलाई के लिए और कोरोना संकट से प्रत्येक नागरिक को उभारने के लिए किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20,00,000 करोड़ रुपये का पीएम पैकेज दिया है और पीएम पैकेज के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये जो पीएम पैकेज है, इस पीएम पैकेज के माध्यम से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक लोगों तक पहुँचेगा। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं।
प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।